इसीलिए हम तानसेन की तरफ से आपकी ये चुनौती कबूल करते हैं। लेकिन अगर आप हार गए मुखड़ा चंद जी, तो आपको पागलखाने हम खुद अपने हाथों से छोड़ कर आएंगे। और अगर तानसेन हार गए तो? तो मुखड़ा चंद जी, हम अपना मुखड़ा आज के बाद किसी को नहीं दिखाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। वैसे कहाँ है तानसेन? उन्हें बुलाया था हमने दरबार में, कहाँ रह गए वो? वो रियाज, रियाज अब्बा हुजूर, रियाज, वो रियाज कर रहे हैं। और आपको तो पता है ना कि जब तानसेन रियाज करते हैं तो वो किसी के सामने नहीं आते। अगर तानसेन यहाँ नहीं आ सके तो हम खुद जाकर उनसे बात करते हैं। सुनो दरबान, ये तो गजब हो गया वासु। अगर अब्बा हुजूर तानसेन के कमरे में चले गए और उन्होंने वहां पे तानसेन की लाश देख ली तो हम दोनों को फांसी पे लटका देंगे। तो एक काम कर, जल्दी से जाके तानसेन जी की लाश को कहीं छुपा दे, समझ गया? तब तक हम अब्बा हुजूर को बातों में उलझा के रखते हैं। तो पता है, मैं समझ गया। तो जानो। हाँ। चलिए बीरबल, चलिए मुखड़ा चंद जी, आइए हमारे साथ। रुकिए अब्बा हुजूर, रुकिए रुकिए अब्बा हुजूर, एक चींटी को मारने के लिए तोप निकालने की क्या जरूरत है? अरे इनको तो हम ही हरा देंगे। इनसे कहिए कि हमारे सुरों का जवाब दे के दिखाए। ये आया हमारा पहला सुर, राग फुल फुली। ला 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 ला, शाही खून है हम। इनके ये पहले सुर का जवाब आपको देने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे साथ आइए। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, अभी हमारा दूसरा सुर आने वाला है, राग खनखनी। ये बस यहां तक, दांतों तक आ गया है, कभी भी निकल सकता है अब्बा हुजूर, गिर जाएगा। दर्द भरा है, दर्द भरा। ठोकर खा के मर गया रे, लाश लाश मर गया रे। मुझे पता है, ये मेहमान खाना है, मेहमानों के रुकने की जगह। यहाँ सिर्फ मेहमान ही आते हैं और कोई नहीं आता जाता। वाह वाह वासुदेव, यहाँ तानसेन जी की लाश को और कोई नहीं देख सकता। इतना अकलमंद हूँ मैं, मुझे पता है, वो तो मैं हूँ ही, क्योंकि मेरे पास है दिमाग। दिमाग दिमाग दिमाग। तान पूरा रह गया अधूरा। हो गया आपका? अब देख रहे हैं हम इतने सालों से ये क्या दर्द सहन कर रहे हैं हम। आइए हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, अभी तीसरा सुर बाकी है। अरे हमें देते हो भाला, तो कुछ छोड़ा तो करो। आइए हमारे साथ चलिए, आइए। तानसेन, तानसेन जी। बलदेव जहां पर आप जरा शयन कक्ष में देखिए, शायद वो सो रहे होंगे। बजता भी है? रोज बजाते हैं वो, रोज बजता है। जापना, अंदर भी नहीं है। अंदर भी नहीं है? हाँ। तो फिर ये तानसेन गए कहां? कहां जाएंगे जापना? किसी ने संगीत के मुकाबले की बात बता दी होगी, और जैसे ही पता लगा कि हमसे संगीत का मुकाबला है तो चुपचाप गायब हो गए।
और देख लीजिएगा जहां पर ना, जब तक हम यहाँ हैं, तानसेन दिखाई नहीं देंगे। लिख के ले लो। दीजिए, आपको जो कुछ लिख कर देना है अभी दीजिए, सारा एक साथ पढ़ लेंगे हम। जहां पर ना, आप तो बुरा मान गए। दरअसल बात यह है कि लिख के ले लो, हमारा तकिया कलाम है। हाँ तो मुखड़ा चंद जी, आप अपना कलाम संभालिए, सिर्फ हमारे तकिया और गद्दों की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? चाही गायक तानसेन है वो, चाही गायक तानसेन। सच्चे संगीतकार हैं वो। अरे रियाज में कई बार इतने डूब जाते हैं कि उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। रियाज करते करते कहां पहुंच जाते हैं उन्हें खुद को पता नहीं रहता। बीरबल आप ढूंढिए ना, ये तानसेन गए कहां हैं? जी जा पना। मुखड़ा चंद जी, आप हमारे मेहमान हैं। जब तक हमें तानसेन मिल नहीं जाते, आप मेहमान खाने में जाकर आराम कीजिए। बलदेव जापना, मुखड़ा चंद जी को मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए। मुखड़ा चंद जी, कल सुबह होगा मुकाबला दीवाने खास में, तब तक आप जाकर मेहमान खाने में आराम कीजिए। आराम तो खैर क्या करेंगे आप, वो अपना रियाज वियाज कीजिए जो करते हैं आप। गर्म पानी के गरारे कीजिए, आवाज खोलिए अपनी आवाज। वाह मेरे शाही तालाब के नायाब फव्वारे, क्या फुर्ती दिखाई है तानसेन की लाश को हटाने में। कहाँ रखी है लाश? मुझे पता है। हाँ हाँ, तुझे ही पता होगा कि लाश कहाँ है। कहाँ है? तानसेन जी की लाश को मैं मेहमान खाने में रख कर आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या क्या